हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 7 चल रही है, डिफरेंशिएशन। तो 7 के हमने 7.5 सॉल्व कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 7.6। तो 7.6 7.6 एक्सरसाइज है अपनी। उसमें हम क्या करेंगे, इसमें अपने पास दो थ्योरम्स हैं। क्या है? दो थ्योरम, जिसमें फर्स्ट थ्योरम है रोले थ्योरम। ठीक है, तो आज हम रोले थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो देखो, जो रोले थ्योरम होती है क्या होती है? देखो, रोले थ्योरम ऐसी कोई स्पेशल ऐसी कोई थ्योरम नहीं है। देखो, इसमें हमें क्या करना है, अगर कोई एक एफ एक्स में क्लोज इंटरवल गिवन है, जैसे कोई मान लो एफ एक्स है, ठीक है, और वो क्लोज इंटरवल किस में है, यानी कि ये एक्स जो है बिलोंग कर रहा है किसी ए और बी को, ठीक है, तो हमें तीन कंडीशन है जो चेक करनी होंगी उसमें। तो जो तीन कंडीशन अगर उसमें क्या होती हैं अपनी, उसमें हैं, सही हैं, यानी वो तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, तो इसका मतलब हम उसमें रोले थ्योरम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो रोले थ्योरम अप्लाई करने के लिए तीन कंडीशन हैं जो उस क्वेश्चन पर अप्लाई होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट जो है वो है अपने पास कि जो वो फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी के लिए कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। कुल मिला के वो फंक्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। तो फंक्शन कंटिन्यूस कैसे होता है, ये हम 6 में पढ़ चुके हैं। वैसे भी देखो, ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें हमें कंटिन्यूस चेक करने के लिए उसमें प्रॉपर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चनों में हमें देखते ही पता चल जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है, और हमें केवल यही बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है चेक करके। देखो, कुछ चीज़ें थी जो 6 में मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाई थी कि फंक्शन कंटिन्यूस कब कब होता है। देखो, फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है अगर क्वेश्चन किस में गिवन है, कोई भी एक कॉन्स्टेंट नंबर गिवन है। क्या है? एक कॉन्स्टेंट नंबर गिवन है। अगर कॉन्स्टेंट नंबर है तो फंक्शन क्या होगा, डेफिनेटली कंटिन्यूस होगा। इसके अलावा अगर कोई आइडेंटिकल फंक्शन है, ठीक है, या फिर कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि साइन एक्स और कॉस एक्स है। क्या है? साइन एक्स और कॉस एक्स की फॉर्म में ना कोई भी क्वेश्चन, तो वो कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। देखो, 6 में आप देखना, पलट के 6 एक्सरसाइज, उसके शुरू में जहां कंटिन्यूस स्टार्ट हो रही है ना, वहां एक कॉलम है और वहां दिया गया है कि फंक्शन कंटिन्यूस होता है अगर कुछ ये उसमें हो, तो अगर कॉन्स्टेंट टर्म हो, साइन एक्स कॉस एक्स हो, या फिर ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स हो, तो भी फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। या फिर क्या हो, लॉग एक्स हो और एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तब भी क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूस होता है। इसके अलावा क्या, पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, यानी कि वो कौन सी, ए एफ अपनी कोई भी पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल इक्वेशन, तब भी फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। क्या होता है? कंटिन्यूस। तो कुछ ये ऐसी चीजें हैं आएंगी अपने पास उस क्वेश्चन में, जिसमें हमें देखते ही पता चल जाएगा क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, और कंटिन्यूस होना चाहिए जो भी हमें क्या दिया गया है, क्लोज इंटरवल दिया गया है ए और बी, है ना, उसकी जगह अपने को कोई वैल्यू दी होंगी, उसके लिए वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम चेक कर लेंगे कैसे, वो दोनों वैल्यू पुट करेंगे, अगर दोनों LHS, और पहले तो हम LHS और RHS फाइंड करते थे, अब वो हम दोनों वैल्यू पुट करके देखेंगे, वो दोनों वैल्यू अगर क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। तो हमें देखते ही पता चल जाएगा फंक्शन कंटिन्यूस है। फर्स्ट तो ये क्या है, कंडीशन। सेकेंड जो कंडीशन है वो क्या है, कि क्लोज इंटरवल ए बी के लिए जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, डेरिवेटिव। कैसा होना चाहिए? डेरिवेटिव। देखो, जो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो फंक्शन कंटिन्यूस होता है वो क्या होता है,
डेरिवेटिव्स भी होता है, ठीक है। तो फंक्शन कंटिन्यूस होने के बाद हम उसके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो देखो पहले जो एक्सरसाइज थी उसमें हम डेरिवेटिव किससे फाइंड करते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करते थे, लेकिन इसमें हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएशन मेथड से। तो हमने अभी सीखा ना डिफरेंशिएशन करना, उससे हम डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। और जो इसमें थर्ड कंडीशन है, वो जो थर्ड कंडीशन है वो होगी एफ ए इक्वल टू में एफ वी, यानी कि ये जो क्लोज इंटरवल है ना, दोनों को जब x की जगह पुट करेंगे तो उन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम। अगर ये तीनों कंडीशन किसी एफ एक्स यानी किसी फंक्शन पर अप्लाई होती हैं तो जो अपना फंक्शन है, क्या है फंक्शन, उस पर हम रोले थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। रोले थ्योरम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि रोले थ्योरम क्या होती है। तो रोले थ्योरम का मतलब है अगर ये तीनों कंडीशन उस पर अप्लाई हैं तो एफ एक्स, ठीक है ना, तो एफ एक्स की जगह यहां आएगा एफ सी, यानी ऐसी बात कर लो एफ एक्स इक्वल टू सी पर एक क्या है, कोई पॉइंट है, और ये क्या होगा, इक्वल टू में जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि कोई इन दोनों के बीच में, देखो कंटिन्यूस डिफ्रेंशिएबिलिटी, इसको देखो मैं आप लोगों को उससे समझाता हूँ डायग्राम से कि ये क्या होता है। तो ये देखो जो एफ सी की वैल्यू है ना, ये जीरो होगी। क्या होगी, जीरो, मतलब कहीं एक ऐसा पॉइंट है सी जिसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जीरो। देखो अब मैं इसे एक डायग्राम से आप लोगों को समझाता हूँ। देखो एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, ठीक है। चाहो तो इधर इसको ऐसे वाई डैश और इसको इधर एक्स डैश, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है और फंक्शन डेरिवेटिव्स है, ठीक है, और एफ ए इक्व टू एफ बी, ठीक है। तो देखो यहां एक पॉइंट मान लेते हैं हम ए, यहां एक पॉइंट मान लेते हैं बी, ये कहीं ऐसे है और इनकी वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये तो हमें यहीं से कंडीशन पता है, एफ ए इक्वल टू एफ बी है, फंक्शन कंटिन्यूस भी है और फंक्शन डेरिवेटिव्स भी है। तो देखो फंक्शन कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि जो एक ग्राफ बनता है भाई, कंटिन्यूस एक क्या बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, वो कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो इस पर एक ग्राफ बना कैसे, ऐसे, ठीक है, ये क्या नहीं होना चाहिए, कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, और कहीं भी क्या नहीं बनाना चाहिए, एक एंगल नहीं बनाना चाहिए, है ना। जैसे कोई ऐसे फॉर्म में या ऐसे फॉर्म में, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ये एक एंगल बन रहा है ना, तभी तो वो डेरिवेटिव्स फाइंड होते हैं उसके, अगर कोई भी एक एंगल नहीं बन रहा होता है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ए और बी ये दोनों इक्वल हैं, ये एक क्या बना, एंगल बना, ठीक है। तो देखो इसमें ये जो अपने पास डायग्राम है, ये जो अपना ग्राफ है, इसमें एक सी कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट है इस पूरे ग्राफ में, जैसे ये एक सी पॉइंट है, क्या है, सी। तो ये जो सी है ना, ये क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल। अगर ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं तो उसमें रोले थ्योरम अप्लाई होगी। रोले थ्योरम है कि जो सी है वो क्या होगा, जीरो होगा, बस इतनी सी है। और वो जीरो होता है क्योंकि जब हम एक क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, और वो अगर कंटिन्यूस होता है यानी कि वो कहीं ब्रेक नहीं होता और डेरिवेटिव्स भी है यानी कोई एंगल भी नहीं बना रहा, तो एक पॉइंट सी ऐसा होता है जो एक्स एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल। अगर ये लाइन इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। थीटा क्या है, यहां जीरो है। थीटा अगर जीरो है तो उस सी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। ये एफ सी डैश इक्वल टू क्या है, जीरो होगा। अगर थीटा जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो देखो कोई जरूरी नहीं है कि जो ये अब यहाँ क्या बना है, सी एक पॉइंट ही है, कोई जरूरी नहीं है पॉइंट एक हो, एक से ज्यादा भी सी हो सकते हैं। जैसे देखो यही पॉइंट कोई एक ए है और एक बी है और ये दोनों इक्वल है ना, ये x इक्व टू ए है और ये x इक्व टू बी। अब देखो अपने पास डायग्राम बना कैसे, ठीक है, ऐसा कोई डायग्राम बना, चाहो तो इसको इस पॉइंट से ऊपर तक कर लेना, ठीक है। तो देखो एक पॉइंट ये भी सी है,
एक पॉइंट यहाँ भी सी होगा और एक पॉइंट यहाँ भी सी होगा, ऐसे ही यहाँ और यहाँ भी होगा। देखो ना तो कोई ब्रेक हुआ ना ही कोई एंगल बना, ठीक है। और ये सारी लाइनें क्या हैं, एक्सिस के पैरेलल है। तो जो भी लाइन एक्सिस के पैरेलल होगी वहाँ थीटा क्या होगा, जीरो होगा, होगा नहीं होगा। तो थीटा जीरो होगा तो वो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो देखो ऐसे भी बन सकता है, हो सकता है वो नीचे भी आ जाए, ठीक है ना। कैसे, ऐसे भी ग्राफ बन सकता है जैसे यहाँ से और यहाँ तक के बीच में ऐसे, यों यों ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ भी एक सी पॉइंट होगा, यहाँ भी एक सी पॉइंट होगा, यहाँ भी एक सी पॉइंट होगा और एक यहाँ भी सी पॉइंट होगा। तो जहाँ भी वो पॉइंट है जो एक्सिस के पैरेलल है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और ये ऐसा ग्राफ कब बनेगा भाई, ऐसा ग्राफ कब बनेगा जिसमें ना तो कोई ब्रेक हो और ना ही कोई एंगल हो, जब फंक्शन कंटिन्यूस होगा। क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। और ए और बी कैसे होंगे, इक्वल। तो ए और बी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तब ये तीनों कंडीशन कब, रॉले थ्योरम कब अप्लाई होगी, जब ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए तभी अपने पास ऐसा डायग्राम बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए तभी। तो देखो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं यहाँ से और यहाँ तक, तभी तो ये जो पॉइंट है ये इसके क्या होगा, पैरेलल होगा ना। जैसे एक लाइन मैंने यहाँ ऐसे खींची और एक ये खींच दी, अगर ये इक्वल नहीं है, एक छोटा है और एक बड़ा है जैसे यहाँ है, तो अब ये जो है ये इसके पैरेलल नहीं है। ये वाली जो लाइन है ये लाइन पैरेलल कब होगी, जब एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होगा, ना कोई ब्रेक हो रहा होगा किसमें, कर्व मतलब कोई भी किसी भी इस डायग्राम में कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, तभी तो कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, जिसमें कोई ब्रेक ना हो लगातार, और डेरिवेटिव्स यानी कि कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, एक एंगल नहीं बना हुआ होना चाहिए। तो इसमें कोई भी एक एंगल भी नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे अपना फंक्शन क्या होता है, क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है ना। तो एफ एक्स इक्वल्स टू सी, तो अब देखो ये इसका क्या था, देखो ये तो अपना थियोरटिकल था और ये जो पार्ट था ये क्या था, ज्योमेट्रिकल था, किसका, रोले का, है ना। तो देखो इसमें है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ रोलेज थ्योरम, तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ रोलेज थ्योरम यही है कि जो सी है वो जीरो क्यों होता है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है वो पॉइंट जो सी होता है, और पैरेलल होता है तो थीटा जीरो होता है, तो एक्स सी की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। तो देखो मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ कि देखो इफ रियल वैल्यू फंक्शन एफ इज डिफाइन इन द इंटरवेल ए एंड बी, फर्स्ट है एफ इज कंटिन्यूस इफ द क्लोज इंटरवेल ए एंड बी, ठीक है। सेकंड है एफ इज डेरिवेटिव द ओपन इंटरवेल, देखो ये तो फंक्शन ये तो होता है क्लोज इंटरवेल, ये उल्टे लग गए, और ये होता है ओपन इंटरवेल, ठीक है ना। तो फर्स्ट में तो क्लोज, कौन सा क्लोज इंटरवेल, ए बी होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव होना चाहिए ओपन इंटरवेल, और थर्ड है एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए, है ना। देयर इन द ओपन इंटरवेल ए बी देयर एग्जिस्ट ए एक्सिस पॉइंट सी सच दैट एफ सी इक्वल्स टू में जीरो है, तो ये एफ सी डैश इक्वल्स टू जीरो। तो हमें क्या करना है, देखो ये सब चीज करने के बाद जो अपन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ना, उसमें एक्स की जगह सी पुट करके उसको क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, जीरो, और फिर उसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें और देखो क्या कह रहा है ये, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ रोले थ्योरम, वी कैन डिफाइन रोले थ्योरम अंडर द टू कंडीशन, फर्स्ट केस है व्हेन द फंक्शन एफ इज कॉन्स्टेंट देन एफ एक्स सी, एक्स क्या होगा, belongs to होगा क्लोज इंटरवेल ए एंड बी, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैंने अभी भी बताया जो ग्राफ है वो कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जब ग्राफ कैसा होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, कैसा होगा, पैरेलल, तब क्या करेंगे, द ग्राफ फंक्शन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर एवरी पॉइंट इफ द क्लोज इंटरवेल ए बी एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, और केस सेकंड है व्हेन फंक्शन एफ इज नॉट कांस्टेंट देन एज पर रोलेज थ्योरम लेट एफ बी कंटिन्यूस इन ए क्लोज इंटरवेल एंड डेरिवेटिव इन द ओपन इंटरवेल ए बी देन एफ इज डेरिएबल देन मीनिंग टेंजेंट
कैन बी ड्रॉ एक्स बिलोंग्स टू ए बी ऑफ द कर्व ऑफ वाई एफ एक्स, यानी कि ये जो अपना कर्व है ना, यहां पर अपन एक कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये जैसे हमने टेंजेंट ड्रॉ की किसी भी एक पॉइंट पर, ठीक है, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी, इट इज क्लियर फ्रॉम दैट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एस विल बी आइदर इंक्रीज और डिक्रीज अंडर बोथ द कंडीशन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट विच इज ऑलवेज बी पैरेलल टू एक्सिस एक्स एक्सिस। तो एक पॉइंट होगा हमेशा की जो क्या होगा एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो यहाँ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो। तो देखो इस रॉले थ्योरम से रिलेटेड हम एक क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें जो दूसरी थ्योरम है ना वो क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना, तो मीन वैल्यू थ्योरम को हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले इस किससे, रॉले थ्योरम से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूँ जो इसमें गिवन है, तो हमें क्लियरली ये रॉले थ्योरम समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव्स, उसके बाद एफ ए इक्वस टू में एफ वी, फिर सी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, है ना, एक्स की जगह सी पुट करेंगे और उसको जीरो के इक्वल ले आएंगे, और जो वैल्यू आएगी ना वो जो अपना इंटरवल गिवन था ए और बी उनके बिटवीन ही होनी चाहिए, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 23, वेरीफाई द रोलेस थ्योरम फ्रॉम द फॉलोइंग फंक्शन। वेरीफाई द रोले थ्योरम फ्रॉम द फंक्शन, देखो सीधा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एफ एक्स इक्वल टू, ये कोई फंक्शन है वो हमें इक्वल टू गिवन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, और x बिलोंग्स टू है माइनस टू से लेकर टू तक, क्या है माइनस टू से टू तक। तो देखो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, देखो कंटिन्यूटी देखते ही पता चल जाएगी, ठीक है, देखो यहां x की वैल्यू कुछ भी पुट करो स्क्वायर है तो वो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, देखो टू पुट करेंगे तो टू का स्क्वायर 4 माइनस 4 जीरो, ये 2 पुट करेंगे तो 4 और 4 माइनस 4 जीरो, तो दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, क्या आ गई, सेम, तो ये हमें करने की जरूरत इसमें नहीं है, सीधा ही हम क्या लिख देंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या लिख देंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखो फर्स्ट है इसमें लिख देंगे हम क्लियरली द फंक्शन क्लियरली द फंक्शन, ये लिखना है, ठीक है, मैं हर क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं लिखूंगा, आप लोग मैं एक बार लिखा देता हूँ और ये हर क्वेश्चन में लिखना ही है ना, कि फंक्शन द क्लियरली द फंक्शन एफ, ये जो दिया गया है एफ एक्स इक्वस टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, क्लियरली द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज कंटिन्यूअस किसके लिए, इन द इंटरवल क्या है, एक्स बिलोंग्स टू 2 माइनस 2, इस इंटरवल के लिए क्या है, जो अपना ये फंक्शन है वो क्लियरली कैसा है, कंटिन्यूअस, क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड की, यानी कि डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, देखो डेरिवेटिव्स भी फाइंड होगा इसका, सिंपल सी बात है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, अंडर रूट, तो अंडर रूट क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, अब हम करेंगे इसका, तो ये तो हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा माइनस के 2x, तो ये माइनस के 2x को मैं यहां लिख देता हूं, माइनस के 2x, तो ये 2 से 2
कैंसिल हो गया, तो अपने पास आया माइनस के एक्स अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये नेगेटिव ही तो है। हाँ, तो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स अपॉन फोर माइनस में एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास, डेरिवेटिव निकल के आ गया। क्या आ गया, डेरिवेटिव। तो फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशियबल भी हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट चेक करते हैं। क्या पॉइंट करते हैं, चेक थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या था अपना, कि एफ ए एंड एफ बी। तो देखो ये जो ए और बी था ना, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में जो भी थे वो, तो ये एक ए है और ये क्या है, एक बी। क्या है, बी। तो एक बार तो हम एक यहां क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे, और एक बार यहां बी पुट करेंगे, और दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे, चेक। तो देखो विट इज डिफाइंड एज एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल माइनस टू एंड टू, एफ एक्स इज डेरिवेटिव इन इंटरवल टू माइनस टू। तो देखो मैं थर्ड पॉइंट चेक करता हूं किसके लिए, सबसे पहले एफ माइनस टू के लिए चेक करते हैं। तो फोर माइनस माइनस के टू का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा फोर माइनस फोर का अंडर रूट इक्वस टू जीरो। अब अपने पास अब चेक करते हैं एफ इक्वस टू टू के लिए, तो फोर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो थर्ड कंडीशन भी अपनी क्या हो गई, अप्लाई हो गई। ठीक है, अब हम यहां से तो हमने चेक किया है केवल ये कि रोले थ्योरम अप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। अब हमें तीनों कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऑल थ्री कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, नाउ वी अप्लाई द रोले थ्योरम। ठीक है, इसके बाद हमें क्या लिखना है, ऑल थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाइंग। ठीक है, एंड नाउ वी अप्लाई द रोले थ्योरम। तो रोले थ्योरम अपने पास क्या है, रोले थ्योरम एफ सी टेस इक्वस टू जीरो। यानी कि अब एक C कोई ऐसा पॉइंट है, C क्या है, एक ऐसा पॉइंट है उस डायग्राम में जो क्या है, X एक्सिस के पैरलर है। तो पैरलर है तो उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो। ठीक है, तो जहां जहां भी अपने पास X था उसकी जगह यहां जो भी अपन ने ये डेरिवेटिव्स निकाला था ना, ये जो डेरिवेटिव निकल के आया है, जहां भी X है वहां हम क्या पुट कर देंगे, C पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, C। तो देखो एफ सी डैश इक्वस टू माइनस सी अपॉन फोर माइनस सी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है, इक्वस टू में सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। देखो ये इक्वस टू जीरो है ना, तो हम यहां क्या रखेंगे, इक्वस टू जीरो। चाहो तो देखो ये एफ एक्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ डैश इक्वस टू ये जीरो, ये एफ सी, ये तो चलो मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, ये मैंने यहां रख दिया। अब इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, ये एफ, ये एफ क्या था, डैश एक्स था, और ये अब एफ डैश सी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स की जगह सी पुट करेंगे वहां। तो माइनस सी अपॉन अंडर रूट फोर माइनस सी स्क्वायर इक्वस टू क्या है, जीरो। क्या है, जीरो। तो देखो ये इधर आएगा तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो माइनस सी इक्वस टू जीरो, तो सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सी इक्वस टू जीरो। बस ऐसे ही करना है, कोई भी इसमें ऐसी नई चीज़ नहीं है। ठीक है, केवल हमको सिंपली क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सी इक्वस टू क्या आ गया, जीरो। तो देखो और सी इक्वस टू जीरो है, और ये किसको बिलोंग करना चाहिए था, माइनस टू से, और टू के बिटवीन क्या आनी चाहिए थी, इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी। अब देखो जो जीरो है वो माइनस टू से और टू के बीच में आ रहा है, क्योंकि देखो क्या होता है, माइनस टू माइनस वन जीरो वन एंड टू, और सी की के वैल्यू क्या आई है, यहाँ से जीरो। तो यानी कि ये इन दोनों के बीच में ही कहीं पर है, तो इसका मतलब ये अपना ठीक है। और जो वैल्यू आएगी ना, वो हमेशा ये जो अपन को क्लोज इंटरवल दिया ना, इन दोनों के कहीं पर भी बिटवीन आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हम फंक्शन देखेंगे कंटिन्यूस है क्या नहीं है। तो फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, उसके बाद हम उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद एफ ए इक्वस टू एफ बी चेक करेंगे। ठीक है, अब सीधा हमें क्या करना है, एफ सी इक्वस टू जीरो, क्योंकि ये रोले थ्योरम है,
अप्लाई हो रही है, तो सी एक जीरो होगा। तो अब जो भी हमने ये डेरिवेटिव्स निकाला है, इसमें एक्स की जगह सी पुट करेंगे, इसको इधर ले जाके जीरो कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू जीरो है, जो कि कहाँ है, क्लोज इंटरवल माइनस टू से टू के बिटवीन कहीं पर स्टैंड करती है। तो इसी का ये तो था फर्स्ट पार्ट। क्या था फर्स्ट पार्ट? 23 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब 23 पे एक सेकंड क्वेश्चन और है, वो करते हैं। देखो तो देखो सेकंड क्वेश्चन है वो है e की पावर x साइन x, e की पावर x साइन x, जो कि x बिलोंग कर रहा है 0 to π। e की पावर x साइन x और x बिलोंग्स टू 0 to π। देखो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि जब भी क्या हो, फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स ई की पावर एक्स ए की पावर एक्स लॉग एक्स मोड है ना, क्या हो मोड में भी जो नंबर होते हैं ना वो भी कैसे होते हैं, हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो, तो देखो ये किसकी फॉर्म में, ई की पावर एक्स साइन एक्स की फॉर्म में। तो क्लियरली हमें पता चल गया कि द फंक्शन एफ एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स क्या है, is continuous है, ठीक है, in the interval x belongs to 0 to π। तो देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर करना चाहो तो सॉल्व भी करके देख सकते हो। देखो जब जीरो रखोगे तो ये सब जीरो हो जाएगा, जब पाई रखोगे ना तो देखो साइन जो पाई है वो भी क्या होता है, साइन पाई जीरो ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि देखो हम पाई को कैसे लिख सकते हैं, पाई क्या होता है अपना 180 होता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। अगर हम पाई माइनस क्या कर दें कोई भी एक नंबर, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, तो उसकी पाई की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो। तो देखो इसको हम यूज करेंगे जब आगे क्या निकालेंगे, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी निकालेंगे ना तब। तो फर्स्ट जो चीज है वो तो हमें क्या लिख देनी है, हर क्वेश्चन में यही लिखना है ना, जिसमें भी वो कंटिन्यूस है, कि क्लियरली द फंक्शन एफ एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स कंटिन्यूस इन द इंटरवल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 और π। अब हम चेक करते हैं क्या डिफरेंशिएबिलिटी। तो एफ डैश एक्स इक्वस टू दोनों मल्टीप्लाई में, ठीक है, ई की पावर एक्स को छोड़ा, साइन एक्स का क्या क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स प्लस अब के क्या करेंगे, e की पावर x का, तो e की पावर x होता ही है और sin x को छोड़ देंगे, ठीक है ना। देखो यहां तो किया है sin x का cos x में और यहां किया है e की पावर x का, तो e की पावर x ही होता है। अब हम चेक करते हैं थर्ड पॉइंट f x। तो देखो f x यानी कि f 0 इक्वस टू e की पावर 0 और साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे f पाई के लिए, तो e की पावर पाई साइन पाई, तो साइन पाई भी क्या होती है, 0 ही होती है, क्योंकि देखो कौन से क्वाड्रेंट में ये पाई कहाँ आता है, यहाँ आता है, ठीक है। पाई अगर कुछ भी हम माइनस करेंगे, जैसे पाई माइनस जीरो करते हैं, क्या करते हैं, पाई माइनस जीरो, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, सेकंड में आएगी, तो देखो साइन पाई माइनस जीरो, ठीक है। तो देखो साइन पाई और साइन जीरो क्या हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम साइन पाई को भी क्या लिख लेंगे, जीरो लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे कि फंक्शन एफ एक्स Satisfy all three condition, ठीक है। जो अपना फंक्शन है वो all three condition को क्या कर रहा है, satisfied कर रहा है, यानी कि जो क्या है एफ सी है, एफ डैश सी इक्वस टू में है 0,
तो एफ डैश सी कहाँ है? अब हम इसकी इसको करेंगे, तो देखो ये तो था एफ एक्स, ये अब क्या है एफ डैश सी, तो एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे सी। तो देखो एफ डैश सी, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। देखो e की पावर x है तो e की पावर c कॉमन ले लेता हूं मैं यहां से, e की पावर c और e की पावर c कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा cos c या फिर sin c, पहले लिख लेते हैं एक ही बात है, देखो sin c प्लस cos c इक्वल टू में जीरो, क्या है इक्वल टू जीरो। तो देखो अब ये जो है, देखो या तो ये जीरो है या ये जीरो है, भाई दो है ना, एक या तो e की पावर c जीरो है या sin c प्लस में cos c जीरो है। तो देखो ये जो e की पावर c है, क्या है e की पावर c इक्वल टू जीरो ऐसे आ गया, तो ये जो e की पावर c है ना कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो अगर हम c की जगह जीरो भी रखते हैं e की पावर जीरो, तो किसी की भी पावर क्या होती है जीरो, वन होती है, क्या होती है वन। तो इसलिए e की पावर c इक्वल टू जीरो नहीं होगा, नॉट जीरो होगा, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। ठीक है, हम केवल किसे लेंगे साइन c प्लस cos c इक्वल टू जीरो। क्लियर? क्या आ गया साइन c प्लस cos c इक्वल टू में जीरो आ गया। अब हमें इससे वैल्यू फाइंड करनी है जो कि क्या है क्लोज इंटरवल जीरो से और पाई के बिटवीन होनी चाहिए। तो देखो साइन c cos c प्लस साइन c या साइन c प्लस cos c, ठीक है प्लस में है, तो इसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो देखो मैं इधर सॉल्व करता हूँ इसको, साइन c प्लस cos c होता है 2 साइन, देखो ये फॉर्मूला अभी बना नहीं है, साइन c प्लस cos c है ये, या तो क्या होना चाहिए था साइन c और यहाँ साइन d, या तो साइन c प्लस साइन d या cos c प्लस में cos d, ऐसा होना चाहिए था ना। तो देखो ये दोनों साइन सी साइन सी, अगर मैं इस कॉस को साइन में बदल देता हूँ, किस में बदल देता हूँ साइन में, ठीक है। तो देखो कैसे बदलेंगे, बदल सकते हो इजीली, साइन सी प्लस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो 90 माइनस थीटा यानी कि पाई बाई टू माइनस सी, बदल दिया मैंने इस कॉस को साइन में बदल दिया, तो साइन सी प्लस में साइन डी हो गया ना। ये कॉस को किस में बदला है साइन में बदला है ताकि फॉर्मूला लग सके। अब क्या करते हैं हम फॉर्मूला लगा देते हैं, टू साइन सी प्लस डी, तो सी प्लस डी है पाई बाई टू और माइनस सी अपॉन में टू, कॉस सी माइनस डी, तो देखो सी जब यहां माइनस लगाएंगे पाई बाई टू तो ये हो जाएगा प्लस का सी अपॉन में टू, ठीक है। तो ये पाई से ये मतलब सी से सी कैंसिल, अब ये टू ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई बाई फोर, तो टू साइन पाई बाई फोर यहाँ हो जाएगा क्या, देखो सी और सी तो जुड़ जाएंगे तो टू सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू सी, तो टू सी से तो ये टू कैंसिल हो जाएगा, भाई इसके नीचे भी टू है इसके नीचे भी टू है, तो ये हो जाएगा सी माइनस पाई बाई फोर, सी माइनस पाई बाई फोर, ठीक है। ये तो हो गया सी से सी कट गया पाई बाई फोर, ये हो गया कॉस सी और सी मिलके क्या हो गया टू सी, टू सी में से टू से डिवाइड दे दिया तो सी रह गया और ये हो जाएगा माइनस में पाई बाई फोर। क्लियर? तो देखो 2 साइन पाई बाई फोर और कॉस सी माइनस पाई बाई फोर आ गया अपने पास। अब हमें क्या करना है इसमें, तो देखो यहाँ से हमें क्या करना है, देखो ये इक्वल में क्या चल रहा है जीरो जीरो और जीरो तो चल ही रहा है, ठीक है। हमें तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, c की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो c की वैल्यू क्या आनी चाहिए इन दोनों क्लोज इंटरवल के बिटवीन आनी चाहिए, ठीक है ना, इन दोनों के कहीं भी वो वैल्यू बिटवीन होनी चाहिए। तो देखो इसमें c की वैल्यू है क्या, नहीं है, c कहाँ है अपने पास यहाँ है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो उधर वाला नंबर ये क्या हो जाएगा जीरो में मिलके जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो, तो अपने पास क्या बचेगा cos c माइनस पाई बाई फोर इक्वल टू में
ज़ीरो है क्या नहीं है, इसको मैंने उधर भेज दिया। क्यों? क्योंकि हमें तो सी की वैल्यू चाहिए, इसमें सी है ही नहीं, सी नहीं है तो अपना काम ख़त्म हो गया इसका, तो इसको मैंने जीरो में मिला दिया और जीरो कर दिया। अब देखो जीरो जो है कॉस में जीरो किसकी वैल्यू होती है, 90 की, कॉस 90 जीरो होता है, तो कॉस 90 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू। तो देखो कॉस सी माइनस पाई बाई फोर इक्वस टू कॉस पाई बाई टू। क्लियर? कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, सी की वैल्यू निकालनी है तो इसको मैं उधर भेज दूंगा, माइनस है उधर आके क्या जाएगा प्लस, सी इक्वस टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर। एलसीएम लिया, देखो एलसीएम लेने पर क्या आएगा, फोर, तो ये तो हो जाएगा टू पाई और ये पाई तो आ जाएगा थ्री पाई बाई फोर। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, थ्री पाई बाई फोर। क्या ये सी की वैल्यू, थ्री पाई बाई फोर। तो देखते हैं ये जीरो और पाई के बिटवीन है क्या नहीं है। देखो पाई क्या होता है, जीरो टू 180, तो थ्री पाई बाई फोर क्या होता है, तो 3 पाई बाई 4 कितना हो गया, देखो 4 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 135 हो जाएगा। तो 135 जीरो से और 180 के बिटवीन आ रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इन दोनों क्लोज इंटरवल के बिटवीन ही है। तो C की वैल्यू आ गई अपनी 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो सेम वही है, सबसे पहले ये चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है क्या नहीं है, फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर चेक करना है एफ ए इक्वस टू एफ बी। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या लिखेंगे हम के ऑल थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाई, देन एफ सी इक्वस टू जीरो, फिर जो भी हमने फंक्शन निकाला एफ एक्स उसकी जगह सी पुट करेंगे एक्स की जगह और उसे सॉल्व किया। यहाँ से ए की पावर सी तो जीरो है नहीं, तो इसलिए जो जीरो है उसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कॉस को साइन में बदला, फार्मूला लगा दिया साइन सी प्लस साइन डी का, फार्मूला लग गया, जो सॉल्व होने के बाद ये आया इसका काम नहीं है तो जीरो में मिला दिया। यहाँ जीरो को हमने लिख लिया कॉस पाई बाई टू, ठीक है कॉस पाई बाई टू, और ये हो जाएगा पाई बाई फोर, मिलके थ्री पाई बाई फोर आ जाएगी, किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। तो ये थी अपनी रॉले थ्योरम। ठीक है, तो आज हम केवल ये रॉले थ्योरम करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो सेम ऐसा ही है जैसा हमने ये एग्जाम्पल किए हैं, तो कोशिश करना करने की हो जाए तो। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन सी, मिडिल मीन वैल्यू है ना, जो अपनी नेक्स्ट थ्योरम है ना वो कौन सी है, लैंग्रेज मीन वैल्यू थ्योरम। कौन सी है, लैंग्रेज की एक मीन वैल्यू थ्योरम है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज का ये समझ में आया हो तो बताना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो भी मेरे को बता देना, ठीक है। और वो सिक्स के जो अपने कंटिन्यूस होने के जो फॉर्मूल वो थे ना, कि कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, उनको एक बार फिर से पढ़ लें, ठीक है ना।